ਐਕਸਲਰ ਟੀਵੀ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਨਿਵੋਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਤਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਡਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਤਾਈ ਇੱਛਾ। सरकारी नौकरी मिलने ते भावुक हुई महिला, भरिया अखां नाल सीएम मान दा कीता धन्नवाद। नौकरी ना देण नूं लैके साबका सरकारां ते वरे मुख्यमंत्री भगवंत मान, कहा हुण निराश नौजवान होए आसवन। एक ही परिवार विच मिली दो सरकारी नौकरियां, सगे भैण भरावां नूं इक्को दिन मिली सरकारी नौकरी, खुश होके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दा कीता धन्नवाद। फिरोजपुर ट्रिपल मर्डर मामले च सात आरोपी महाराष्ट्र तो गिरफ्तार, कल लियांदे जाणगे पंजाब। फिरोजपुर तो बाद हुण पटियाला च वड्डी वारदात, दिन दिहाड़े वड्डिया नौजवान, नौजवान की हुई मौत, आरोपी गिरफ्तार। मंत्री चेतन सिंह जोड़ामाजरा ने पराली ना साड़न वाले किसान किते सन्मानित, एमएलए देव माणवी नाल रहे मौजूद। कोट अगवा कांड च पंजाब पुलिस नूं वड्डी कामयाबी, पुलिस ने इस मामले च शामिल दो मुख लोकां नूं गोवा तों कीता गिरफ्तार। पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव ने अपने एक्स हैंडल ते दो लोकां दी गिरफ्तारी दी जानकारी कीती सांझी। मंत्री अमन अरोड़ा ने हलका गिद्दड़बाहा दे पिंडां विच 12 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के रखे नींह पत्थर, कहा पिंड गुरुसर विखे जल्द ही खोलिया जाएगा सेवा केंद्र। अमृतसर च एक व्यक्ति नजायज हथियार समेत काबू, गिरफ्तार व्यक्ति को वड्डी गिनती च नजायज हथियार बरामद। एयर इंडिया ने विदेश जाने वाले अपने यात्रियों लिए अहम एडवाइजरी जारी की। एयर इंडिया ने ट्विटर राही दसिया कि दिल्ली तो अंतरराष्ट्रीय रवानगी लिए चेक इन काउंटर हुण निर्धारित समय तो 75 मिनट पहला बंद हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन नेड़े वड्डा हादसा होने तो टल गया। सोमनाथ एक्सप्रैस ट्रेन के दो डब्बे पटरी उतर जाने कारण हफड़ा दफड़ी मच गई। ट्रेन की रफ्तार घट होने कारण वड्डा हादसा टल गया। ट्रेन च सवार सारे यात्री सुरक्षित दसे जा रहे। हाथरस च मैक्स ते रोडवेज की बस विचाले हुई भयानक टक्कर च 12 लोगों की मौत। एक घटना कोतवाली चांदपा खेतर के आगरा अलीगढ़ नैशनल हाईवे ते पिंड मिताई च वापरी। मरण वालों च 4 बच्चे, 4 औरतां ते 7 पुरुष शामिल। बस आगरा तो देहरादून जा रही थी। राजस्थान में भारी मीह ने एक बार फिर तबाही मचाई। भारी मीह कारण अजमेर च हड़ की स्थिति बनी हुई है। नदियों ते नालियों विच छाल, इस दे मद्देनजर स्कूलों में छुट्टी का किया ऐलान। नोएडा पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक मुकाबले दौरान दो अपराधियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल फड़े गए बदमाशों के दो साथी मौके तो फरार, जिन्हों फड़न लिए पुलिस कर रही है लगातार छापेमारी। फड़े गए दोषियों को कई वाहनों के पुर्जे बरामद किए गए हैं। इन्होंने खिलाफ वक्त थाने दर्जन केस दर्ज। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की दूजी वरेगंढ के मौके लोक सभा च विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ने बीते शनिवार को कहा कि इस यात्रा ने साबित कर दिया है कि भारतीय कुदरती तौर पर प्यार करने वाले लोग हैं और साडा उद्देश है कि देश का हर व्यक्ति हर कोने च प्यार की आवाज सुनाई देनी चाहिए। योगी सरकार औरतों को सम्मान देने के नाल नाल उन्हां दी सुरक्षा दे ध्यान दे रही है। यही कारण है कि औरतों नाल संबंधित केसां दे निपटारे च उत्तर प्रदेश पूरे देश च सब तो उपर है। उत्तर प्रदेश महिला शक्ति हेल्पलाइन का अहम योगदान दसिया जा रहा है। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की अग चसार रहा। बीते शुक्रवार को शुरू हुई हिंसा होने तक जारी। दसिया जा रहा है कि हिंसा दौरान मीती भाईचारे के एक बुजुर्ग की मौत हो गई, तो सवेरे 10 बजे तो रुक रुक के गोलीबारी जारी है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने गोरखपुर च सैनिक स्कूल का किया उद्घाटन। 49 एकड़ च फैले इस सैनिक स्कूल को 176 करोड़ रुपए की लागत नाल बनाया जा रहा है। राजस्थान के जयपुर च एक प्राइवेट हस्पताल के वार्ड च वड़िया चीता, सीसीटीवी तस्वीर वायरल। अमरीकी हिंदू संगठन ने आने वाली राष्ट्रपति चोणों कमला हैरिस की बजाय डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने का किया ऐलान। हिंदू संगठन ने दावा किया कि जेकर कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनी जाती है तो भारत से अमरीका के रिश्ते अस्थिर हो सकते हैं। एमपोक्स वायरस का प्रकोप दुनिया भर तेजी नाल वध रहा है, जिहे च अमरीका लगातार सख्त कदम चुक रहा है। इसने एमपोक्स के एक नवे तना टेस्टिंग ते निगरानी किया वाधा। सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों ने बीते शुक्रवार को कहा कि संयुक्त राज वायरस के वधेरे छूत वाले रूप के किसी केस की पुष्टि नहीं हुई, पर माहर अजे भी इस संभावना की भाल कर रहे हैं कि अगे की होगा।
दरअसल 14 अगस्त को WHO के डायरेक्टर जनरल ने तेजी नाल फैलन वाले एमपॉक्स वायरस को जनतक सेहत एमरजेंसी घोषित किया। 2 साल अजिहा दूजा ऐलान। अमरीकी न्याय विभाग ने हैरान करने वाली जानकारी दी है। दसिया जा रहा है कि कनेडा च रह रहे पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया, उससे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम को समग्री से साधन मुहैया करवाने की कोशिश करने का दोष। करांची के वसनीक लगातार बिजली की चोरी के विचकार बिजली बंद होने नाल यूजरे ने खास तौर पर उत्तरी कराची खेत्र में रोजाना मुश्किल बढ़ रही। विस्तारा एयरलाइंस शनिवार को तुर्की के हवाई अड्डे से फसे यात्रियों वापस लियाने बदलवे जहाज में रवाना करेगी। बंबदी कथित धमकी कारण शुक्रवार को मुंबई तो तुर्की जाने वाली फ्रैंकफर्ट उड़ान मोड़ दिया गया। बोगदा स्टारलाइनर पुलाड़ यान सफलतापूर्वक धरती से वापस परतिया। पूर्वी समय के अधी रात तो बाद न्यू मैक्सिको में उतरिया। चीन ने हफ्ते लिए अफ्रीकी देशों द्वारा मंगी गई कर्जा राहत प्रदान करने तो रोक दिता, पर क्रेडिट लाइना ते निवेशों विच 3 साल में 360 बिलियन युआन का वादा किया। अमरीका के सबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी कैरोलीना में चेतावनी दी कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस वालों समर्थित नीतियां के कारण पुलिस पहला नालों वधेरे खतरे। करण औजला के लंडन शो दौरान फैन ने करण औजला दे मारी जुते। करण औजला ने कहा कि मैं ना माड़ा नहीं गाँवता कि मेरे जुतियां मार। मास्टर सलीम ने लाइव शो च गाई नुसरत फतेह अली खान की कवाली, लोगों ने दिता रज के प्या। करण औजला के मुंडे वालों मारे गए बूट से बब्बू मान का वड्डा बयान, कहा करण औजला अपना बच्चा है। विनू ढिल्लों के जन्मदिन की पार्टी मौके सुनो रजा हीर ते जसबीर जस्ती की जुगलबंदी। करण औजला के लंडन लाइव शो च आया लोगों का हड़, औजला ने की बल्ले बल्ले। बॉलीवुड के अदाकार गणेश चतुर्थी मौके बब्बा नू अंधेरी लैन पहुंचे। दीपिका पादुकोण ते रणवीर सिंह पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर कीते दर्शन। कार्तिक आर्यन गणेश चतुर्थी मौके पहुंचे लाल बाग राजा दे दर्शन करन, फैंस ने दिता बहुत प्यार। बिग बॉस खिलाड़ी शालिन बनोट गणेश चतुर्थी मौके पहुंचे लाल बाग राजा दे दर्शन करन। बाग्याश्री नु शिल्पा शेट्टी दे घर दे बाहर कीता स्पोर्ट, पहुंचे गणपति जी दे दर्शन करन। इंग्लैंड ते वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने दसिया कि तेज गेंदबाज मार्क वुड सज्जी कूहनी की सट कारण बाहर हो गया। वुड श्रीलंका खिलाफ पहले टैसट दौरान जख्मी हो गया से सीरीज के दूजे और तीजे टैसट तो बाहर हो गया। अफगानिस्तान के तजर्बेकार बल्लेबाज रहमत शाह ने कहा है कि भारत खेडन के पिछले तजर्बे कारण उन्होंने टीम को न्यूजीलैंड खिलाफ सोमवार तो नोएडा च शुरू होने वाले टैसट च फायदा होगा। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिता है। अधिकारित मैचों में 900 गोल करने वाला पहला पुरुष फुटबालर बन गया। उसने UEFA नैशनल लीग में क्रोएशिया खिलाफ गोल करके उपलब्धि हासिल की। टोक्यो खेडों के चांदी का तगमा जेतू भारत के प्रवीण कुमार ने पैरिस और पैरालंपिक पुरुषों की उच्ची शाल T64 इवेंट में एशियाई रिकॉर्ड तोड़दिया सोन तगमा जीतिया। छोटिया लत्त जन्मे नोएडा के प्रवीण ने सीजन की सर्वोत्तम 2.08 मीटर की छाल मार के 6 खिडारियों में चोटी का स्थान किया हासिल। फ्रिटिजर पेगोला ने भी US Open 2024 पुरुष महिला सिंगल्स में संबंधित फाइनल में पहुंच के इतिहास रचा। 2002 तो बाद यह पहला मौका है जदों अमरीकी पुरुष या औरत US Open फाइनल के सिंगल्स मुकाबले में हिस्सा लवेगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन RC भार्गव ने कहा है कि कंपनी अगले कुछ महीनों में कार्बन और ग्रीन हाउस के निकास और आयात ईंधन से निर्भरता को घटाने के लिए इलैक्ट्रिक कारा लॉन्च करेगी। भारतीय बाजार से BMW 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजीन M स्पोर्ट प्रो एडिशन को हुण डीजल पावर ट्रेन ने किया लॉन्च। कंपनी ने इसकी एक्स शोरूम कीमत 65 लाख रुपये दसी। टेक्नोपावा 6 न्यू स्मार्टफोन भारत 11 सितंबर 2024 होगा लॉन्च। पावा 6 न्यू स्मार्टफोन नवीनताकारी AI विशेषतावां दे नाल आवेगा जो तुहाडे डिजिटल अनुभव नूं बदल देवेगा।
मैकडोनल्ड्स इंडिया वख-वख किस्मां दे बाजरे तो बने बन नाल बर्गर पेश करेगा। इस विच पंज बाजरे, बाजरा, रागी, ज्वार, चेना ते कोडो दी वरतों कीती जा रही। ट्राई ने लगभग 3 लाख टेलीफोन नंबर कट दिए हैं। लगभग 50 कंपनियां दी सेवावां बंद कर दी ने। महारा दा कहना है कि फर्जी कालां च लगातार हो रहे वाधे नूं देखते हुए ट्राई सख्त कदम। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।